तो गाइस अर्जुन हियर, वेलकम टू जन्नत गिरगी टिप्स। तो गाइस जन्नत गिरगी टिप्स मतलब एक अलग ही लेवल का काम है। और गाइस तुम लोगों को बोला गया था कल ही 8-10 लिमिट प्लस रहोगे री एंट्री अगेन एंट्री। और गाइस मिनिमम यार एक आईडी में तो 50 पेटी प्लस है। तो गाइस 50 या 52 पेटी प्लस है समथिंग, क्योंकि उसकी लिमिट ही 5-7 पेटी की हुआ करती थी। तो गाइस देखो प्लस कैसे होते हैं, गाइस प्लस ऐसे होते हैं क्योंकि जब तुम लोगों को पता है कि यार पहले स्टार्टिंग में मुंबई प्लस किया, मुंबई 20 पैसे यहाँ से मतलब सीधा खाया और 7-8 पेटी माइनस और 50 पेटी प्लस, तो इसको बोलते हैं क्योंकि 20 पैसे पर खाना यार एक मतलब छोटे रेट पर ही मतलब खाना, पहले तो प्लस है और फिर प्लस अमाउंट से खाना। क्योंकि गाइस जैकपॉट मैच था, मुझे अपडेट और मैंने तुम लोगों को पहले ही स्क्रिप्ट में बताया था, अगर पूरा मैच होता ना, पूरा 20 ओवर का होता तो केकेआर जो मतलब लगभग 225 से 235 रन बनाता, और गाइस वहां पर भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम मुंबई भी है, लेकिन मुंबई का क्या है यार, फिक्सिंग नंबर बन गई है अभी। तो गाइस इसको बोलते हैं वर्क, और हर एक स्क्रिप्ट बॉल टू बॉल यार स्क्रिप्ट शो की तुम लोगों के सामने, वीडियो देख लेना। और गाइस बात करते हैं आज के मैच की, तो आज मैच नंबर 61 खेला गया चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो गाइस ये मैच स्टेट होगा और रॉयल चैलेंज बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल। तो गाइस ये मैच में भी इंटरेस्टिंग है, मतलब दोनों मैच है, ज़्यादा स्क्रिप्ट शो नहीं करूँगा यार, ज़्यादा स्क्रिप्ट शो नहीं करूँगा, बस टॉस और लंबी की अपडेट करता हूँ। तो टॉस जीतेगा यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग, फर्स्ट बैट पर आएगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर। 6 ओवर सेशन यस कर लेना, 10 ओवर की 15 ओवर टेलीग्राम पर अपडेट कर दीजिए। लंबी की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल का जो स्कोर होगा 178 से 188 के बीच में स्कोर होगा। अब देखने वाली बात है कि चेन्नई सुपर किंग इस स्कोर को चेंज कर लेगा या फिर डिफेंड करा देगा राजस्थान रॉयल्स। तो गाइस बात करते हैं रॉयल चैलेंज बेंगलोर वर्सेज दिल्ली कैपिटल की, तो टॉस जीतेगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर, फर्स्ट बैट पर आएगा दिल्ली कैपिटल, और दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैट पर आएगा। तो गाइस 6 ओवर सेशन नोट कर लेना, 10 ओवर की 15 ओवर टेलीग्राम पर अपडेट कर दीजिए। लंबी की बात की जाए तो दिल्ली का कुछ स्कोर होगा 170 से 180 के बीच में। अब देखने वाली बात है कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर इस स्कोर को चेज कर लेता है या डिफेंड करा देगा। बट गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई यहाँ पर टॉस जीत करके फर्स्ट बैट पर आ जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है यार, सेशन नोट की ही जाएंगे। और रॉयल चैलेंज बेंगलोर आता है तो 6 ओवर ही सेशन पास होगा, फिर उसके बाद नोट जाएगा। बाकी गाइस दोनों मैच में तुम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहोगे, तुम खुद से खेलोगे, तुम्हारी एल लगना 100% है। मैं खुद ही दोनों मैच में मिनिमम 3 से 5 लिमिट ही प्लस रहूँगा, 1-2 लिमिट से प्ले करने के बाद भी, क्योंकि गाइस कुछ मैच में कोई दम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घोड़ा जैकपॉट नहीं है, बस एंट्री री एंट्री और मिनिमम 4 से 6 लिमिट ही समथिंग प्लस रहोगे। तो और गाइस तुम लोगों की तो ये लगने वाली ही, अगर तुम खुद से बैटिंग करते हो सेशन में भी पैसा जाएगा और मैच में भी जाएगा। तो गाइस अगर तुम खुद से बैटिंग करते हो तो स्कीप ही कर देना, और अगर तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होना तो जन्नत गिरगी टिप्स के साथ जुड़ जाओ। दोनों मैच की फीस रहेगी 25,000, सिंगल मैच की फीस रहेगी 15,000। 30% प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वही लोग मैसेज कर रहे हैं जिसकी मिनिमम पेटी की लिमिट हो, और क्योंकि ज़्यादा स्टाफ अवेलेबल है नहीं है, तो अगर जिसकी पेटी की लिमिट है वही मैसेज करेंगे। ओके गाइस दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन। सेशन तुम लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, तो सेशन के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, और दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन।